नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम जागृत युवा शो के एक नए एपिसोड में। आज का शो एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि हम सब हैदराबाद से शूट कर रहे हैं, जहां हम अटेंड कर रहे हैं एक ग्रैंड मेडिटेशन फेस्टिवल जिसका नाम है ध्यान महाचक्र। ये हर साल 11 दिन के लिए 21st to 31st होता है हैदराबाद। सो टुडे वी हैव अ वेरी क्रिएटिव बंडल विद अस। दो तो म्यूजिशियंस हैं जो बचपन से ही म्यूजिक साथ में सीख रहे हैं, और एक हमारे बीच है आर्टिस्ट जो पीएमसी हिंदी के सारे सेट्स करती हैं। सो लेट अस वेलकम देम। वेलकम अमूल्या, तान्या एंड अक्षया। हाय। हाय। हेलो। सो लेट अस गेट टू नो अबाउट योर मेडिटेशन जर्नी। सो आप सभी ध्यान में कैसे आए? अमूल्या, तो मेरे लिए बचपन से, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी और मैं हिंदू हूँ, तो मुझे ऑलवेज एक कन्फ्यूजन होता था कि ये रिलीजन क्या है। तो हर बार कुछ ना कुछ एक मोड आता था जब भी मुझे ये एक क्वेश्चन होता था, लेकिन मुझे कभी आंसर नहीं मिल पाता था क्योंकि सब लोग बोलते हनुमान चालीसा करो, यू नो, कभी बुरा सपना है तो ये करो वो करो, तो रिलीजन की तरफ एक रुझान रहता था। लेकिन हर बार मुझे क्वेश्चन होता था ये भगवान कौन है, ये गॉड कौन है। तो मुझे याद है मॉरल साइंस टीचर थी मेरी एक 5th स्टैंडर्ड में, और उन्होंने कहा था कि किंगडम ऑफ गॉड या जो भगवान हम कहते हैं वो हमारे अंदर है। तब भी मुझे नहीं समझ आता था कि इसका मतलब क्या है। धीरे धीरे क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट बड़ा मेडिटेशन के प्रति, या यू नो, बिकॉज मेरे फैमिली में भी एक मेजर, मेरे पापा को एक मेजर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही थी, तो जिसकी वजह से डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट हिमसेल्फ सजेस्ट कर रहा था कि ध्यान करो। तो ठीक है, मतलब हमने पहले ध्यान किया था जिसमें बहुत बाबा गुरु संतों के पीछे था, और जब भी वो गुरु मिलते हैं तो साष्टांग प्रणाम करना है, तो मेरा ना वो जमता नहीं था क्योंकि ऐसे यूथ आट बी लाइक, मैं मुझे मजे के लिए करना है, मुझे किसी के दम पे नहीं जीना। तो तब हमें एक दूसरा एक मेडिटेशन टेक्निक एक बिजनेस मीटिंग में पापा को पता चला, और उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, और मेरे अंदर क्योंकि ऑलरेडी एक चल रहा था मेरे अंदर, तो ओके वाई नॉट, मैं भी ट्राई कर लेती। तो मैंने, मेरी मम्मा ने और मेरे पापा ने साथ में मिलकर ध्यान करना शुरू किया। मेरी बहन ने ध्यान करना तब शुरू नहीं किया था, और पहली गो में, बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन था, तो पहले गो में मुझे बहुत पहली बार एनर्जी फील हुआ कि जो हम एनर्जी बूस्ट से या कोई एनर्जी ड्रिंक से लेते हैं वो नहीं, एक अंदर से एक एनर्जी है। सो आई मीन दैट्स व्हाट टुक इट फॉरवर्ड। मेरी मम्मी और पापा बचपन में किसी ध्यान में, क्रिया में जाते थे, सम वियर्ड थिंग, एक काले कमरे में बैठ के। एंड बचपन से ही आई एम वेरी फिजिटी, अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो साइंस पढ़ना है, बोर ही होती रहती थी। जब देखो एक चीज़ नहीं करनी, एक चीज़ करनी तो दूसरी करनी है। तो जहाँ मेरे को मम्मी ने बोला कि एक सेंटर जाना है, मैंने बोला भाई बिल्कुल भी नहीं जाना है, चुपचाप एक जगह बैठ के बिल्कुल भी नहीं, हमने बचपन में एक्सपीरियंस किया है, हम तो कभी नहीं जाएंगे। फिर वो पूरे महीने बोलते रह गई, हम नए नए बहाने बनाते थे, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, वन फाइन डे कोई बहाना नहीं बचा। एंड देन वी वर जस्ट लाइक, मैं और मेरी बहन, कि चले ही जाते हैं यार, ये बोलना बंद कर देंगे, चले जाते हैं। तो हम गए सेंटर, और पहली बार ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं एक एक्टिविटी, चाहे वो कितने भी स्पैन के लिए करी, मैं बोर नहीं हुई उस मोमेंट के लिए। मुझे ये नहीं लगा कि मुझे दूसरी चीज़ क्या करूँगी, अब क्या ढूँढना है। तो दैट्स, और इतना आसान है, कहीं भी कभी भी, कुछ ऐसा कोई आसन नहीं है अजीब सा। सो ये दोनों चीज़ें थे विच बिकेम लाइक अ हुक फॉर मी, कि ये चलो कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली जब हम साथ में पढ़ते थे तो कभी, वैसे ही अक्षी भी हमारे साथ पढ़ती थी कभी कभी। सो आई थिंक एक्चुअली अक्षी और मैं बचपन से दोस्त थे, तो हम आई थिंक हर बार देखती थी वो ध्यान करते, और आई थिंक उसको कभी इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, ध्यान व्यान कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट मेरा जर्नी तब शुरू हुआ जब मैं ग्रेजुएशन करने हैदराबाद गई थी, और उस 3 साल में मैंने बहुत दिल्ली को बहुत मिस किया, और घर को भी बहुत मिस किया, एंड स्पेशली माय फ्रेंड्स। तो और मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों करूँ बीकॉम कंप्यूटर्स। लोग बोल रहे हैं कि बीकॉम कंप्यूटर्स करना है, उसके बाद आई हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर जस्ट बिकॉज ये अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। तो उस थॉट, वो थॉट था मेरा, और मैं बहुत डिप्रेस भी रहती थी उस वक्त। तो जब मैं वापस आई, मेनली एक रीज़न था कि मैं क्लैरिटी नहीं थी मेरी जिंदगी में, और दूसरी चीज़ मेरे मुझे ऐसे थॉट्स आते थे कि एक फैमिली में लोग झगड़ा क्यों करते हैं छोटी छोटी रीजन्स को लेकर,
क्यों मतलब कोई रीजन है ही नहीं और उसके ऊपर मतलब एवरीवन इज फाइटिंग. तो ये दो रीजन था जिससे मुझे अट्रैक्शन हुआ कि अमूल्या ने कहा जब मैं दिल्ली आई तो उसने बोला कि एक देहरादून में एक टूडे फेस्टिवल है, चलो चलते हैं. तो हम सब रेडी, सारे दोस्त गिटार विटार लेके, तो हाँ ऐसे ऐसे मतलब चिल करने के लिए, चिल करने के लिए बहुत सारे दोस्त मतलब सारे एक ही बेच के, एंड वी वर लाइक 10 लोग हम सब साथ में ट्रेन या बस में गए थे. तो हम सब गए एंड आई थिंक देहरादून वॉज द चेंजिंग, बेसिकली चिल करने के लिए पकड़ा उसे. हाँ, और वहाँ जाके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. तो वहीं से तो आप तीनों का ही बहुत ही डिफरेंट वे था मेडिटेशन में आने का. एक को तो टोटली अवर्जन था, एक के लाइफ में चैलेंजेस थे और एक की फैमिली थोड़ा सा इंक्लाइन थी और उसके डैड के फिजिकल हेल्थ रीजंस की वजह से वो ग्रेजुअली सब मेडिटेशन में आए. तो मेडिटेशन में आने के बाद आप तीनों ने क्या क्या बेनिफिट्स देखे अपने लाइफ में? आई थिंक वी स्टार्टेड स्टडिंग टुगेदर, हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे तो इतना कुछ नहीं था कि रोज़ करना है और डिसिप्लिन की तरीके से करना है. तो हमारे जो सेंटर था वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी वुड वॉच शर्लॉक होम्स या चिल कर रहे होते थे. कोई ना कोई एक साइंटिफिक रिसर्च की चीज़ें तो देखते थे कि कुछ ना कुछ हमारा ना माइंड ट्रिगर हो और जो साइंटिफिक चीज़ें पता चले, तो शर्लॉक होम्स ही देखते थे. तो देखते देखते पढ़ाई भी करना होता था बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम्स हैं. तो पढ़ाई से पहले हमने डिसाइड किया कि बहुत लंबा टाइम नहीं, आफ्टर एंड बिफोर एवरी चैप्टर हम 5 मिनट बैठ जाते थे या 10 मिनट बैठ जाते थे कि यू नो लेट, पता इतना तो पता चल ही चुका था तब तक कि इट काम्स योर माइंड डाउन और हेल्प करता है और इंट्यूशन भी डेवलप होता है. तो हर बार जब भी हम बुक खोलते थे तो ऐसे एक ना जैसे कैमराज में होता है ना कि इन फोकस आउट ऑफ फोकस होता था. तो जो भी एग्जाम के आई थिंक हम ज़्यादा एज सच पढ़ते भी नहीं थे और बोर्ड का टाइम नहीं होता कि एटलीस्ट वो एक 10 दिन 2 एग्जाम के बीच में होता है, तो उसके बीच में हम ज़्यादा ही ज़्यादा मेडिटेट करते थे और पूरी रात भर हम सेंटर में रह के उन्हें पढ़ा क्या तो उन्हें पढ़ा क्या करते थे. तो जब वो देखा तो एक इन फोकस आउट ऑफ फोकस और लिटरली दिखता था हम सब कुछ नहीं पढ़ते थे, राइट चीज़ें पढ़ते थे और स्मार्ट पढ़ते थे. तो दैट्स हाउ आई थिंक हमारा पूरा बोर्ड आई एम श्योर वो अपने एग्जाम हॉल में, मैं अपने एग्जाम हॉल में जब 6 मार्कर्स 4 मार्कर्स 2 मार्कर्स हमें ऑलरेडी पता था वो आ रहे हैं. तो ये काफ़ी शॉकिंग था. मतलब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर खोला, मैं लिखने बैठी, मैं देख रही हूँ कि 6 मार्कर्स 4 मार्कर्स 2 मार्कर्स सारे एग्जैक्टली मतलब इसी पर तो जूम किया था, फोकस किया था. बुक चैप्टर खोलते ही जो चैप्टर 3 घंटे हमने नहीं पढ़ा वो चैप्टर, वो जो क्वेश्चन दिखा उस जो इंट्यूटिवली लगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है हम वही प्रैक्टिस करते थे और एग्जाम में देखे भी वो सरप्राइज, ओ मैन यही है. तो आई थिंक वो एक शुरुआत के लिए यही था कि हम एटलीस्ट फॉर मी मैं साइंस चाहती थी 11th स्टैंडर्ड में और दिल्ली में अगर साइंस थी तो एटलीस्ट 87% ऐसे मार्क्स चाहिए होते और मैंने ऐसे कभी मार्क्स देखे नहीं. और क्योंकि मेरा साइंस का एक फोकस था, मैं विजुलाइज करती थी, मैं छुपे छुपे सीक्रेट मूवी देखती थी क्योंकि एग्जाम्स में अलाउड नहीं है फिल्म में देखना. तो मैं सीक्रेट मूवी देख के अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करती कि एग्जैक्टली मुझे कितना चाहिए, आई वॉन्ट 86.5%. मैं एग्जैक्टली उतना मैंने अपने सामने लिखा था और हर बार मैं उसको विजुलाइज करती थी. ओके आई हैव ये मार्क्स मुझे मिल गए, मैं साइंस के क्लास में बैठ गई हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली ये करती थी. तो वो मैनिफेस्टेशन मैंने ध्यान से शुरू की मेरे लिए. तो हम सब इनफैक्ट हम सबके लिए ऐसा हुआ था, हम बचपन में हम सब ध्यान करने तो शुरू कर ही दिए थे एंड ऑब्वियसली म्यूजिक एक कॉमन एलिमेंट था विच कनेक्टेड एवरीबडी एंड इट डज कनेक्ट एवरीवन. तो हम लोग क्योंकि हमें लगा कि हमें चाहे वो स्टार्ट एक मटीरियलिस्टिक बेनिफिट से हुआ कि हेल्थ ख़राब है तो ध्यान कर लिया, पढ़ाई में नहीं लग रहा तो कर लिया, यू नो यू वांट टू परफॉर्म बेटर तो ध्यान कर लिया, बट इवेंचुअली हम सबके ज़िंदगी में इट स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चाहे वो अपनी रियलिटी क्रिएट करना हो, जो हम चाहते हैं वो क्रिएट करना हो, या हम सब उस टाइम पे उस मोड पे थे जब हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है डिसाइड करना था. आई मीन बहुत क्रूशियल टाइम था 10th 12th, ये सब बहुत क्रूशियल एजेस हैं कि क्या करना है. तो हम उस समय सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे थे कि पढ़ाई में, लोग कहते पढ़ाई कर लो नंबर ला लो तो पता चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है. हमें मेंटली क्लैरिटी चाहिए था कि क्या करना चाहिए. बिकॉज वही होता है ना कि इतने सारे ऑप्शन होते हैं, एग्जैक्टली चीज़ें होते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या सही है वो जानने के लिए वो यूथ का एक टाइम. सो एक वो हमारे ज़िंदगी के क्रूशियल मोमेंट में ध्यान ने हम सब की बहुत मदद की. आई एंडेड अप टेकिंग डिज़ाइन फॉर माय ग्रेजुएशन. तो वो लेना है नहीं लेना, मेरे को हॉस्टल जाना पड़ा तो मेरे को तब उस समय बहुत ही यू नो हम सब पैम्पर्ड बच्चे हैं
घर पे रहते हैं सब अच्छा, तो वो डिसीजन लेना ऑल ऑफ दैट बिकेम ईजी. एंड देन हाँ, वो जो एक मटीरियलिस्टिक बेनिफिट से स्टार्ट हुआ था, दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ आर लाइफ. एंड फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि ये जो छोटी सी चीज़ है जो हमें हमारी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो हम दूसरों तक पहुँचाते हैं. सो अक्षय, आपने क्या बेनिफिट्स देखे अपने लाइफ में? मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है. तो दिल्ली में हम सब एक एक मतलब साथ में रहते थे, हम आस पास रहते थे. और जब मैं मुझे कॉलेज के लिए ग्रेजुएशन करना था, तो उस वक्त मैं हैदराबाद चली गई 3 साल के लिए. तो वहाँ पे मुझे बहुत लोनली सा फील होता था. मैं मिस करती थी अपने फैमिली को और स्पेशली फ्रेंड्स को. और उस वक्त मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, कुछ एम्प्टीनेस फील हो रहा है. तो जब मैं वापस आई हैदराबाद से दिल्ली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, उस वक्त मैंने मेडिटेशन को अपनाया. सारे इवेंट्स में जाती थी दोस्तों के साथ, बट मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि मुझे मेडिटेशन क्यों करना है इस ऐसे एज में. क्योंकि ऐसे ही लगता था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उस वक्त हमें एक जगह में बैठ के, जब हमें बॉडी पेन्स हो रहा है तब उस वक्त हमें तब हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए. मैंने बहुत डिफरेंस देखा तुम्हारे अंदर जब तब जब तुमने मेडिटेशन करना शुरू किया, बिकॉज मैंने तुम्हें बचपन से देखा है. मैंने देखा है कि दैट राइट आफ्टर मेडिटेशन लिटरली एक क्या बोलते हैं, एक ग्लो आ गया. डेफिनेटली मेडिटेशन आई थिंक हम सबके लिए एक शिफ्ट लेकर आया. इतना ब्यूटिफुली आप तीनों ने एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको एज अ स्टूडेंट मेडिटेशन ने हेल्प किया, कैसे आपकी पर्सनैलिटी इतना ग्रो हुई मेडिटेशन की वजह से. तो आप तीनों ही, जैसे हमने पहले ही कहा था, आप तीनों आर्टिस्ट्स हैं एंड आप बहुत एक्टिवली मेडिटेशन स्प्रेड करते हैं. तो ये स्प्रेडिंग की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में बात करते हैं. अब इट्स लाइक जब आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो, अच्छा रेस्टोरेंट जाते हो, तो एक फ़र्ज बनता है आपका दूसरे को बताना है कि भाई ये इतनी अमेजिंग रेस्टोरेंट है, प्लीज़ उसको ट्राई कर, बेस्ट चाउमिन का जगह है, प्लीज़ बेस्ट पास्ता का जगह है, प्लीज़ जाके वहाँ पे खाओ. मतलब लाइफ में क्या कर रहे हो आप, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक दैट. तो हमने मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया, बेनिफिट्स नोटिस किए, खुद में देखा, सब में देखा, ये लगे अरे यार लोग कर क्यों नहीं रहे, हम कर रहे हैं और सब लोग, मेरे दोस्त सब स्ट्रेस में पड़े हुए, टेंशन में है, इतना सब कुछ हो रहा है. हाँ, तो मतलब ब्रेकअप, एग्जाम, मार्क्स, डिप्रेशन. तो अगर हमने बेनिफिट किया, लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तब हमने रियलाइज़ किया कि चलो सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं. जैसे हम म्यूज़िक करते हैं साथ में, तो एक ग्रेटेस्ट वे टू डू इज़ पब्लिक पार्क्स में चले जाते हैं. बस एक जगह जो चीज़ कोई अट्रैक्टिव चीज़ दिखानी है. मेडिटेशन सबको लगता है ना बोरिंग है, तो हमने सोचा कि उसको ऐसा बनाते हैं कि बस लोग अट्रैक्ट हो जाए उससे. और क्योंकि हम दोनों म्यूजिक सीखते ही थे, तो लगा कि चलो म्यूजिक एक चीज़ है जो लोग को अट्रैक्ट कर जाती है. तो हर एक जगह पे हम कहीं भी देख लो कि आप म्यूजिक बजाओ, कुछ तो करो, सब लोग दिखते रहे भाई हो क्या रहा है. तो हम, क्योंकि वो गिटार बजाती है, गाना गाती है, नाइस सिंग, सो हम दोनों मिलकर म्यूजिक करना शुरू किया. तानिया, क्योंकि शी इज़ लाइक अब बहुत क्रिएटिव है, तो हम कोई एक जगह को एक सेट बना देते थे और जैसे पिरामिड्स लगा देते थे कलरफुल, वी पुट बैनर्स, फ्री मेडिटेशन, और फ्री मेडिटेशन जरूर रखते थे. क्योंकि लोगों को लगता है कि मेडिटेशन पैसा देना पड़ेगा, फीस, कोई बाबा संत मिलेंगे तो मेडिटेशन होता है. तो लेकिन हमने पति जी से, और आपको पता है फाउंडर है PSSM के, उनसे हमने सीखा कि यार मेडिटेशन के लिए कोई कोर्स फीस की जरूरत नहीं है, बस इट्स लाइक ABC जनान, ABC फन एक्टिविटी. एक्चुअल में जितना फन है हम वही दिखाना चाहते थे कि ये बहुत ही एक फन एक्टिविटी है. तो ये दोनों गाते थे और हम उसको ब्यूटिफाई कर देते थे किसी भी स्पॉट को. और हाँ, तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रोसेस क्या था सोशल एक्सपेरिमेंट का. तो सोशल एक्सपेरिमेंट का ये प्रोसेस होता था कि एवरी संडे 1 घंटा हम निकाल के पार्क्स जाते थे और एक स्पॉट चूज करके हम म्यूज़िक बजाते थे और लोगों को अट्रैक्ट करते थे. और ये फ्री मेडिटेशन होता था. तो कोई भी अगर आए, उनको लगता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उनको बोलते थे कि 10 मिनट प्लीज़ ट्राई मेडिटेटिंग. और फिर अगर उनको कुछ हुआ, चेंज, कामनेस फील हुआ, तो वो पूछते थे हमें कि ये कैसे करते हैं. तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एवरी, आई थिंक बहुत सालों तक हमने ये सोशल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया. एवरी वीक हम जाते थे और वैसे लोगों को गाइड करते थे. पिरामिड, जो दिल्ली में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, तो हम हर बार पैम्फलेट देते थे और बोलते थे, क्योंकि एक तो आपने पहली बार, जिसके पास टाइम नहीं है, वो आ रहे हैं, अरे भाई मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है आपको देने के लिए, बाय बाय मैं निकल रहा हूँ.
बट उनको बोलते थे बस 5 मिनट दे दो, जस्ट आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करो, पैसे भी नहीं है, बस 5 मिनट दे दो अपने। हाँ, तो जस्ट वो बैठते थे और वो 5 मिनट में लगता था, वो एक्चुअली 15 मिनट बैठ जाते थे, उनको वो लगता था कि हो गया क्या 5 मिनट, नहीं नहीं आप 15-20 मिनट बैठ गए, तो उनको लगता था कि वाओ ये इज अमेजिंग। और फिर पिरामिड को हम सजेस्ट करते थे, इनफैक्ट अपनी टोली को लेके हम और जगह भी जाते थे, हम जयपुर गए, कानपुर गए, जहाँ पे भी हम अपना पूरा अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपने पिरामिड्स लेके जाते थे, और जहाँ मौका मिलता था वहाँ हम शुरू हो जाते थे, किसी और चीज़ के लिए गए वहाँ अपना गाना बजाना शुरू। और एक्चुअली इस आइडिया से सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग करने लगे, कि एक आइडिया आया कि हमें कोई म्यूजिशियन बनने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी बजा सकते हैं और एक पैशन होनी चाहिए। तो उस पैशन के साथ बहुत लोग अलग अलग देशों में उन्होंने करना शुरू किया और मेडिटेशन को और स्प्रेड करना, पुणे, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मैंने इतने स्टेट्स में देखा है, सभी लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट वे, वन ऑफ द मेनी बेस्ट वेज कि हम स्प्रेड कर सकते हैं मेडिटेशन। सो हमारे लिए तो काफ़ी इनरिचिंग है क्योंकि हम म्यूज़िक को एक मीनिंग दे पाते हैं, तो फॉर अ म्यूजिशियन इट्स एन अमेजिंग थिंग। तो ध्यानी एंथम भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट था, तो उसके बारे में बात करते हैं, कैसे आया ध्यानी एंथम? तो हम सब सोशल एक्सपेरिमेंट से वापस आए थे। हाँ, और उस दिन उसे जस्ट पहले हमने गली बॉय देखी थी, तो एक फुल ऑन रैप वाले मूड में थे, हमें लगा कि बस बस हर एक चीज को हम रैप करते, तो कुछ भी पहाड़ मिल रहा है तो रैप कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है रैप कर रहे हैं, फिर हमें लगा कि ध्यान का भी तो रैप बनना चाहिए। ध्यान इज टोटली कूल टू, लोगों को एक्चुअली बहुत मिथ है ना ध्यान व्यान, मतलब कोई बाबा संत है, तो हमें तो पहली चीज गाली बॉय देख के लगा कि अभी ब्रेक करना ही है अपने को, अपना टाइम आएगा, जस्ट किडिंग, हमें सच्ची में लगा अपना टाइम आएगा, ध्यान का टाइम आ गया है विद ध्यानी रैप। यस, तो क्या हुआ कि हम सब ऐसे बैठे थे, ठीक है, सब ऐसे मतलब जस्ट चिलिंग वाइब में हम सब ऐसे घर आ गए थे और हम सबको भूख लग रही थी, हम शायद वेट कर रहे थे खाने के लिए, और गिटार में कुछ स्ट्रम करने लग गई और वो कंटिन्यूसली स्ट्रम करने लगी, तो समथिंग एक एक शब्द सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, ये वर्ड उसी को लेकर आई थिंक सब धीरे धीरे हम करने लग गए। तो उस दौरान जब हम सबको भूख लग रही थी गिटार बजाने लगे मैं और कुछ स्ट्रम करने लग गई और वो कंटिन्यूसली होने लग गया और ये कुछ शब्द गूंजने लगे, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए। सो ऐसा हुआ और धीरे धीरे ये पूरा सॉन्ग हम कलेक्टिवली कलेक्टिव एनर्जीज के साथ, क्या वर्ड जरूरी हैं, मतलब एक पूरा सॉन्ग उसी एक घंटा उसी लिविंग रूम के अंदर हो गया, इट वाज डन एंड द नेक्स्ट मोमेंट वाज टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, एंड वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस क्रिएटिंग दैट सॉन्ग। तो ये आप तीनों की एक ब्यूटीफुल जर्नी थी ध्यान के साथ, एंड अब आगे बढ़ते हुए कुछ गेम्स खेलते हैं एंड आपको थोड़ा और जानते हैं। सो हमारे पहले गेम का नाम है ज्यादा कौन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको ये बताना है कि आप तीनों में से सबसे ज्यादा वो चीज कौन करता है। आर यू रेडी? आई थिंक सो। तो आप तीनों में से सबसे ज्यादा फूडी कौन है? नो डाउट चाउमिन, कभी भी, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। Who likes everything planned to every level? अक्षी, has to be planned. सबसे ज्यादा बातूनी कौन है? आई थिंक हम सभी बातूनी हैं। आई थिंक हाँ, सभी, मैं ही ज्यादा हूँ, बट मुझे लगता है हम सभी बातूनी हैं। सबसे ज्यादा रीड कौन करता है? नॉट मच ऑफ अ रीडर, बट जब मन करे तो हम पैशनेट रीडर्स हैं, बट लाइक एक एविड रीडर्स, एविड रीडर्स। ओके, सबसे ज्यादा हंसता कौन है? अक्षी। वी बोथ, एक्चुअली हम बोथ एक्चुअली यू एक्चुअली एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। म्यूजिक क्लास में जब हम सीखते थे गाना साथ में, तो पता नहीं क्या होता था, सडनली हम दोनों हंसने लग जाते थे, हमारी टीचर को पता 25 मिनट्स आई थिंक हम कॉन्स्टेंट हंसते थे, उनको समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, जस्ट लाफिंग, बस और कोई रीजन नहीं होता था, बस हम थोड़े से ज्यादा ही खुश रहते हैं तो मतलब बस हंसते थे। आप तीनों में से सबसे ज्यादा डांस कौन करता है?
आई तो डोंट शी तो डजंट डांस बट एक्चुअली मैं डांसर नहीं हूँ बट मुझे डांस करना बहुत पसंद है जस्ट लव टू डांस आगल की तरह यस सबसे ज्यादा सोता कौन है आई थिंक यू ऑल्सो नॉट इन द आफ्टरनून ये ज्यादा हाँ क्योंकि ये दादी है तो आफ्टरनून को नींद की नींद उसको चाहिए आप तीनों में से हु नेवर आंसर्स देयर फोन कॉल्स उसका पहले ऑलवेज 2% बैटरी पे होता था तो हर वक्त चार्ज योर फोन तान्या बोला पड़ता था अब काफी क्योंकि हम ध्यान से हम और बेटर होते हैं तो हर एक मोमेंट हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट गेम है रैपिड फायर और इसमें आपको बहुत ही रैपिड जैसे हमारा गेम का नाम है रैपिड जवाब देना होगा सो आर वी रेडी यस या Your favorite book, Amulya? Conversations with God by Neil Donald Walsh. Okay. Bringers of the Dawn? But currently, Power of Now for me. Your favorite travel memory? I think Ladakh for me. Yeah. Totally, Ladakh. Yeah. So, ek cheez bahut funny incident hai. Kyunki hum log thoda photography, videography thoda zyada karte hain. फुटेज कहीं से भी मिलता है. हाँ, तो हमने ना क्रॉस करे थे बर्फ के पहाड़ थे गोले गोले थे ध्यान कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं तो लिटरली हम तीन बैठे थे और वहाँ जाके सब लोग टाइम लैप्स शॉट ले रहे हैं ताकि हम सबको दिखा सके कि ध्यान कहीं भी कभी भी कर सकते हैं आई ड्रॉप माय फोन वो बर्फ में फोन भी गिर गया था वहाँ यस अगेन वन मोर इंसिडेंट उन्होंने फोन गिरा दिया बट मिराकुलसली वी फाउंड इट यस तो वही है कि कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और हम लोग बहुत थोड़े ज्यादा पागल हैं तो हम कहीं भी प्रूव कर सकते हैं कि कहीं भी ध्यान कर सकते हैं तो यार लद्दाख काफी मेमोरेबल था वाओ मतलब स्नोफॉल के टाइम पे मेडिटेशन करना और टाइम लैप्स लेना उसका वाओ आप सच में बहुत पागल हो ओके कोई ऐसा पर्सन जो आपको इंस्पायर करता है नो डाउट पत्री सर या आई थिंक अ ग्रेट ग्रेट फ्रेंड एंड अ ग्रेट मास्टर हु इज गाइडिंग अस थ्रू आउट बाबा जी नहीं है वो या बहुत लोग को लगता है क्योंकि वाइट दाढ़ी है तो कुछ बाबा जी संत होंगे मुझे नहीं फॉलो करना है यूथ को तो डेफिनेटली लगता है बट हम भी फॉलो नहीं करते इट्स लाइक एक दोस्त है एक फ्रेंड है एक मेंटर है तो हम सबके लिए तो वही है तो हम चिल बातें करते भी है कि हेलो क्या चल रहा है नॉन दैट ऐसे नहीं है कि बस आओ साथ वी वॉच मूवीज विद हिम हमने कुंग फू पांडा लास्ट देखी उनके साथ तो ऐसा नहीं है कि हम उनको फॉलो करते इट्स लाइक अ मेंटर हमारे साथ ही रहते सो आज का आखिरी राउंड विच वी कॉल द नो फिल्टर राउंड जिसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी सो द क्वेश्चन इज एक ऐसा एडवाइस जो आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगे विदाउट एनी फिल्टर आई थिंक एक्सेप्टेंस स्वीकार करना जो चीज जैसी है और जो व्यक्ति जैसा है उसको स्वीकार करना और खुद को भी ऐसे स्वीकार करना खुद के जो फ्लॉज है नेगेटिव क्वालिटीज हैं इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत कठिन भी है पर वक्त के साथ और मेडिटेशन अपनाने के बाद ये चीज़ मैंने महसूस किया है कि थोड़ा ज़्यादा इजी होता है और एक्सेप्टेंस स्वीकार कर रिचर्ड बाक एक ऑथर हैं उनकी एक स्टेटमेंट है द ओनली ऑब्लिगेशन इन दिस लाइफ टाइम इज टू बी ट्रू टू योर सेल्फ तो हम यूथ सब कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि इतना पीयर प्रेशर होता है इतना सब कुछ चल रहा होता है बैकग्राउंड में बट हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है सो एक ये स्टेटमेंट है विच हेल्प मी जो सदा मेरी हेल्प करती है टू कीप गोइंग फॉरवर्ड हमारे गोल के लिए तो मैं आई थिंक यही मैं बोलना चाहूँगी कि भटकिए मत ध्यान करिए आप ध्यान करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको खुद आपका ट्रूथ क्या है सो या बी ट्रू टू योरसेल्फ तो बेसिकली कोरोना काल में मैं ये देखती हूँ कि बहुत फियर छाया हुआ है क्योंकि बहुत सारे डेथ हो रहे हैं हम सबके इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं और डेफिनेटली एक डर का माहौल छाया हुआ है तो मेडिटेशन ने मुझे तो डेफिनेटली सिखाया कि फियरलेसनेस ज़्यादा से ज़्यादा हमें फियरलेस अप्रोच रहना चाहिए कि इम्यूनिटी भी है जो मेडिटेशन से इम्प्रूव होती है और डेफिनेटली हमें अपने आप को जानने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद मेडिटेशन करना और लोगों को शेयर करना
जो भी हमारे आसपास बूढ़े हैं, यंग हैं, जो भी हैं, अगर इस स्थिति में भी नहीं है कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, अगर वो बस हाथ क्रॉस करके, पैर क्रॉस करके बस अपने सांसों को ही महसूस कर सके, वो एक बहुत मेजर एक हिम्मत बनेगी, एक साहस बनेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काल को हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी इसको क्रॉस कर पाएंगे, हम सब साथ मिलकर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली मेडिटेट मोर इस करोना के काल में। थैंक यू सो मच। इस एक एपिसोड में हमारे लिए आपने इतने सारे मिथ्स ब्रेक करे कि हमको मेडिटेशन करने के लिए बॉडी पेन्स का वेट नहीं करना है, हमें किसी काले बंद कमरे में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी स्टिफ पोस्चर अपनी बॉडी को तकलीफ़ देके ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कंफर्टेबली, बहुत ईजीली हम अभी मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू अमूल्या, थैंक यू तान्या, एंड थैंक यू वेरी मच अक्षया, इतना ब्यूटिफुली हमको ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए, क्योंकि करताल में ये करना, इट्स करताल इज लाइक आर होम, क्योंकि यहाँ पे एक मेगा पिरामिड है, महेश्वरा महापिरामिड है, वेयर अराउंड 8000 लोग पिरामिड के अंदर बैठ सकते हैं, और हम इस जगह पे हम ये अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, सो इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट। हम हर साल तो आते हैं यहाँ पे, हर साल हम आते हैं अपना टाइम निकाल के, बट ये बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि हम एक साथ बैठ के एक ही एक्सपीरियंस, reliving the experience and sharing it. Correct. तो ऐसे ही और inspirational युवाओं से मिलने के लिए और इतनी अद्भुत कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए द जागृत युवा शो और बने रहिए PMC हिंदी चैनल पर। थैंक यू।